आज हम बात करते हैं कूलेंट एंड टेम्परेचर सेंसर की तो जो हमारा कूलेंट एंड टेम्परेचर सेंसर का फंक्शन क्या है कहाँ पे माउंटिंग है हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है कैसे हमको डायग्नोज करना है उसको ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है और तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनका ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की तो जो हमारा कूलेंट एंड टेम्परेचर सेंसर जो है वो करता है जो हमारा कूलेंट होगा उसकी कोल्ड और हॉट कंडीशन को मीन्स जो टेम्परेचर होगा उसको सेंस करेगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में और किस्मों को बता देगा ईश्यू को बता देगा और ये जो हमारा फिट रहता है ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व की जो असेंबली रहती है उसके पास में हमारा कहाँ रहता है वो फिट रहता है सर सर अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल इसका थर्मिस्टर है थर्मिस्टर में भी दो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का मीस है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ती जाएगी नेगेटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती जाएगी घटती जाएगी तो जो टेम्परेचर रेंज है इसकी वो है हमारी फोर्टी डिग्री से वन डिग्री सेल्सियस है सेंसर है, फाइव वोल्ट में काम करेगा तो वोल्टिंग क्या है फाइव वोल्ट है अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हमारा जो डिस्प्ले है उसमें कोड सारे है, cool code, हैं कूल एंड टेम्परेचर से रिलेटेड कौन से कोड है वो देख लेते हैं पी जीरोबल वन सिक्स डैश सिक्स फोर पी जीरो वन वन सेवन डैश वन फोर पी जीरो वन वन एट डैश वन फाइव पी जीरो टू वन सेवन डैश एफ जीरो पी जीरो टू वन सेवन डैश एफ वन पी जीरो टू -F2, अगर ये कोड्स हमारे क्लस्टर मीटर में आ रहे हैं या फिर हमको डिस्प्ले में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये कोड किस से रिलेशन में है कूल एंड टेम्परेचर सेंसर से तो हमको उसको क्या करना है डायग्नोज करना है वो कैसे करेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है इसका तो सबसे पहले देखेंगे कि वायर कोडिंग क्या है ब्लैक कलर का वायर है येलो कलर की ट्रेसिंग लाइन है व्हाइट कलर का वायर है येलो कलर की ट्रेसिंग लाइन है जीरो पॉइंट फाइव डाइ का वायर है वो बताइए आपको अगर मैं बात करता हूं ये जो स्टार एक्स का मीन जंक्शन पॉइंट है यहां पे नंबर ऑफ वायर जो कनेक्ट होंगे वो दो या दो से ज्यादा होंगे तो बात करता हूं ये मेरा जो है ये ईसीयू का कपलर है और ये मेरा जो है ये सेंसर का कपलर है वो कंटिन्यूटी टेस्ट करूंगा तो पिन नंबर वन से फोर्टीन मीन्स पिन नंबर वन कपलर का और फोर्टीन नंबर वन किसका ईसीयू का कपलर का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन यहाँ के समथिंग होगा उसके बाद पिन नंबर टू सेंसर के कपलर का मीन्स इसका और नाइनटी सेवन इसका इनके बीच में अगर मैं चेक करूंगा तो सबसे सब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करूंगा इग्निशन को ऑफ करूंगा वन से फोर्टीन पे मल्टीमीटर की पिन लगाऊंगा टू और नाइनटी सेवन पे मल्टीमीटर की पिन लगाऊंगा तो मेरे को बीप साउंड मिलेगा मल्टीमीटर अगर बीप साउंड नहीं आ रहा है तो, तो दैट मींस वायर डैमेज हो सकता है उसके बाद ये सब ओके okay है तो मैं क्या करूंगा सेंसर की सप्लाई वोल्टेज चेक करूंगा सप्लाई वोल्टेज कैसे चेक करेंगे तो ये कपलर मेरे को निकालना नहीं है इस का सिर्फ सेंसर वाला कपलर बाहर निकालूंगा और इग्निशन को क्या कर दूंगा मैं ऑन कर दूंगा मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर दूंगा मैं ये वोल्टेज पर सेट कर दिया इग्निशन को ऑन कर दिया अगर मैं दो नंबर से ग्राउंड दूंगा सबसे पहले ये सिग्नल वाला ग्राउंड है ये कौन सा है सिग्नल वाला सप्लाई आ रहा है इसमें पिन नंबर टू पे अगर मैं वन की बात करता हूं अभी तो वन से अगर मैं ग्राउंड करूँ तो ये पिन नंबर वन पे लगाया हुआ है और ये ग्राउंड मीन ब्लैक वाला ग्राउंडिंग किया हुआ है

अगर मैं मल्टीमीटर की पिंस को लगाऊंगा तो देखूंगा 60 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर है वहां पे किसका कूलेंट का तो 750 से 800 हंड्रेड ओम के आना चाहिए यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए अगर ये आ रहा है दैट मींस मेरा जो कूलट टेम्परेचर सेंसर है वो क्या है ओके okay है उसके बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सेम वही फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए कपलर्स अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए मेरा वायरिंग कोई भी डैमेज नहीं होनी चाहिए कपलर की जो पेंस है मीन सेंसर की या कपलर की इश्यू की या फिर इश्यू के कपलर की उनमें कोई भी रस्टिंग नहीं आना चाहिए कोई भी वायर मेरा शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए